अस्सलाम वालेकुम भैया। ये उतार दे। ये बोदला बहार यहाँ सलाम किया। अच्छा जी, सबसे पहले ना शहबाज़ कलंदर जाने से पहले बोदला बहार आना पड़ता है। जैसे कि कोई पीर का एक मुरीद लाडला होता है, तो वैसे ही बोदला बहार भी सेवन शरीफ के लाडले मुरीद हैं, तो इसलिए पहले सलामी यहाँ पे, जैसे कि पीर मक्की की, फिर दाता साहब की, ख्वाजा अज़ीज़ मक्की की, फिर बाबा फरीद की, तो इस तरह बोदला बहार की और फिर शहबाज़ कलंदर की। तो मैं आपको सबसे पहले जो विज़िट और ज़ियारत करवा रही हूँ वो बोदला बहार की है, तो आप मेरे साथ साथ रहिएगा और ज़ियारत कीजिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगे। ये जी इसकी माशाल्लाह देखें क्या खूबसूरती से बनाया हुआ है, सब सारा शीशे का काम है। ये बोदला बहार है जी, बाबा सेवन शरीफ के मुरीद, बहुत लाडले। ये पूरा बोदला बहार का मैंने आपको मज़ार का विज़िट कर दिया। मस्जिद देखें माशाल्लाह सारा, ये मस्जिद है जी बोदला बहार की, देखें ये यहाँ पे लगा हुआ है वो, तो क्या बोलते हैं ये खबड़ है। अच्छा सिंधी में इसको खबड़ बोलते हैं दरख्त को, लेकिन हमारे यहाँ वहाँ इसको मेरे ख्याल में बाबा फरीद में भी ये लगा हुआ है, चिराग पहनते हैं ना उसको यहाँ पे बांधते हैं जो भी मन्नत है। हाँ। ये देखें जो भी आपकी मन्नत है, तो बोदला बहार में धागा बांध के जाते हैं, तो ये देख यहाँ पे सारे मन्नत के हैं कड़े धागे, ये देखे चारों तरफ ये दरख्त को वन, ये वन का वन बोलते हैं हमारे यहाँ, बाबा फरीद के दरबार में भी ये पौधा है वन का पौधा, और यहाँ पे मैंने आपको बताया सिंधी में जो कहते हैं
तो वो इसका नाम है। तो ये देख रहे हैं माशाल्लाह पर यहाँ पे मन्नत के धागे बांधे जाते हैं। ये मस्जिद है इस तरफ, उस तरफ बोदला बहार का मज़ार है, वो मैंने आपको अंदर ज़ियारत करवाई, और इस तरफ मस्जिद है। मैं आपको मस्जिद की छत तो देखे आप माशाल्लाह, ये देखें। ये झूले जैसे बड़े कर रहे हैं।